नमस्कार, आइए अब चर्चा करते हैं अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। हम उच्चारण के साथ साथ इन शब्दों का अर्थ भी समझेंगे। फलम अर्थात फल, द्वारम अर्थात दरवाजा, सूत्रम धागा, गृहम घर, विमानम हवाई जहाज, छत्रम छाता, पात्रम बर्तन, कमलम कमल, भवनम भवन अर्थात मकान, पुष्पम फूल, पुस्तकम पुस्तक, जलम अर्थात पानी। अगला प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, इन चित्रों को देखकर नीचे लिखे गए पदों का उच्चारण कीजिए, ताकि हम जान पाएं कि संस्कृत में इन्हें क्या कहते हैं। पहला है पत्ता, इसे संस्कृत में कहते हैं पर्णम। दूसरा है खिलौना, क्रीडनकम, नारियल नारिकेलम, कंप्यूटर संगणकम, खिड़की वातायनम, सीढ़ी सोपानम, बगीचा उद्यानम, चश्मा उपनेत्रम, कंघा कंकतम। दूसरा प्रश्न है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्ण संयोजन करके इन वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाएं और सामने दिए गए इस बॉक्स में लिखें। देखें कैसे शब्द बनाते हैं, प और अ ये दोनों मिलके बनेंगे प, ये र आधा है क्योंकि इसके आगे स्वर नहीं है इसलिए र आधा रहेगा, ण और अ मिलकर के ण, म फिर आधा रहेगा इसके आगे स्वर नहीं है, ये र आधा इस ण के ऊपर चला जाएगा और शब्द बनेगा पर्णम अर्थात पत्ता। अगला शब्द देखें, ख नी त र अ अर्थात त्र और म हलंत है तो खनित्रम, प उ र आ ण आ न ई पुराणानि, प ओ पो श का णी पोषकाणी। आगे है क, ये ङ हलंत है आगे स्वर नहीं है तो ऐसे ही आधा लिखा जाएगा, क के आगे स्वर है अ तो दोनों मिलकर क, फिर आगे त और म हलंत, कंकतम अर्थात कंघा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत, पिछले प्रश्न में वर्ण विच्छेद दिया हुआ था उनको जोड़कर शब्द बनाने थे और इस प्रश्न में शब्द दिए हुए हैं इनका वर्ण विच्छेद करना है। जैसे उदाहरण देकर समझाया है, व्यजनम व आधा लिखा हुआ है इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है तो इसके आगे हमें अ आ ई ई ऐसा कुछ नहीं जोड़ना है तो हमने लिख दिया व हलंत, य या में अ तो य प्लस अ, ज ज प्लस अ और न न प्लस अ और म हलंत व्यजनम। इसी तरह देखें पुस्तकम, प उ स आधा है इसलिए इसमें अ आ आदि स्वर नहीं आएंगे, त अ क अ म पुस्तकम। भीतिकम भ ई त त ई क अ म भीतिकम। नूतनानि नु त ना नि। वातायनम वा ता य न म। उपनेत्रम उ प ने त्र म उपनेत्रम। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखिए अर्थात इन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं ये लिखना है। यह है आम, इसे कहते हैं आम्रम। पत्ता पर्णम, पंखा व्यजनम, रुमाल कर वस्त्रम, धागा सूत्रम, छाता छत्रम। अगला प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, इन चित्रों को देखते हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, किम पतति अर्थात क्या गिर रहा है, इस चित्र में देखें और पता लगाएं कि ये क्या गिर रहा है, ये है फल और संस्कृत में फल को कहते हैं फलम, पतति गिर रहा है, फलम पतति फल गिर रहा है। मयूरव किम कुरुतः, ये दो मोर क्या कर रहे हैं। मयूरव नृत्यतः, ये दो मोर नाच रहे हैं। एते के स्तः, ये दो क्या हैं। एते क्रीडनके स्तः, ये दो खिलौने हैं। कानी विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं।
बालिकाः किं कुर्वन्ति, ये बालिकाएं क्या कर रही हैं। बालिकाः पठन्ति, बालिकाएं पढ़ रही हैं। अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, ये जो वाक्य दिए गए हैं इनको कोष्ठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार बदलकर आगे लिखना है। एतत् पतति, यह गिरता है, इसका बहुवचन रूप बनाना है। एतत् का बहुवचन रूप होता है एतत् एते एतानि, तो हमने लिख दिया एतानि। पतति का बहुवचन पतति पततः पतन्ति, तो लिख दिया पतन्ति, और वाक्य बना एतानि पतन्ति, ये सब गिरते हैं। अगला प्रश्न है एते पर्णे स्तः, ये दो पत्ते हैं, बहुवचन बनाना है। तो एतत् एते एतानि, एते का बहुवचन बनेगा एतानि। पर्ण शब्द है और रूप चलते हैं पर्णम पर्णे पर्णानि, तो बहुवचन रूप पर्णानि। यह स्तः द्विवचन रूप, तो इसके रूप होते हैं अस्ति स्तः संति, बहुवचन रूप लिखा हमने संति, और वाक्य बना एतानि पर्णानि संति, ये सब पत्ते हैं। मयूरः नृत्यति, बहुवचन रूप बनाना है, तो मयूरः ये पुल्लिंग शब्द है, इसके रूप राम शब्द की तरह चलेंगे, रामः रामौ रामाः, मयूरः मयूरौ मयूराः, तो हमने लिख दिया मयूरः, और नृत्यति का बहुवचन नृत्यन्ति, तो वाक्य बना मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। एतानि यानानि, ये सब यान, इसे द्विवचन में बदलना है। एतानि का द्विवचन एते और यानानि का याने, ये शब्द है यान और रूप चलते हैं यानम याने यानानि, तो द्विवचन रूप होगा याने और वाक्य बनेगा एते याने, ये दो यान। छात्रे लिखतः, दो छात्राएं लिख रही हैं, इसका बहुवचन बनाना है, छात्रा का बहुवचन छात्रा छात्रे छात्राः, और लिखतः ये द्विवचन रूप है, इसका बहुवचन रूप लिखती लिखतः लिखन्ति, तो छात्राः लिखन्ति, छात्राएं लिख रही हैं। नारिकेलम पतति, नारियल गिरता है, नारिकेलम का द्विवचन रूप नारिकेलम नारिकेले नारिकेलानि, तो द्विवचन रूप होगा नारिकेले, और पतति का द्विवचन पततः, तो नारिकेले पततः, दो नारियल गिरते हैं। अगला प्रश्न है उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, दिए गए शब्दों को सही तरह से मेल करके वाक्य बनाएं। आइए इन शब्दों को समझते हैं। कोकिले दो कोयल, पवनः हवा, पुष्पम फूल, खगः पक्षी, मयूरः मोर, सिंहः शेर, विकसति खिलता है, नृत्यन्ति नाचते हैं, उत्पतति उड़ता है, वहति बहता है या बहती है, गर्जन्ति गर्जते हैं या दहाड़ते हैं, कूजतः कूजती हैं। वाक्य बनेंगे कोकिले कूजतः, दो कोयल कूजती हैं, पवनः वहति हवा बहती है, पुष्पम विकसति फूल खिलता है, खगः उत्पतति पक्षी उड़ता है, मयूरः नृत्यन्ति मोर नाचते हैं, सिंहः गर्जन्ति शेर दहाड़ते हैं। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।